तो यहाँ पर इतना जोर से फायर आया हमारे ऊपर कि तकरीबन पौने 200 से 200 आदमी गिरे हुए थे। कुछ इनमें से मर चुके थे, कुछ जख्मी पड़े हुए थे। खिड़कियों के नीचे अगर आप देखें तो आपको सैंड बैग दिखाई देंगे, वहाँ से उनका फायर आया। इसी के साथ साथ अगर आप अपनी नज़र पिछली तरफ ले जाएं, फौजी घबराया हुआ है, पौने 200 चों 200 मानता है, पर इस दी पलटन दा सिंगा ने उन ही सफाया कर दिता। उसके ऊपर भी जो दीवार है और वाटर टैंक के ऊपर से बहुत ही भारी फायर हमारे ट्रुप्स के ऊपर खुला। इन सब की वजह से यहाँ पर हमारे ट्रुप्स की बहुत ही ज़्यादा कैजुअल्टीज हुई। इस इलाके में कम से कम 20 से ऊपर LMG लगी हुई थी जिनका ऑटोमेटिक फायर हमारे ट्रुप्स के ऊपर आया। जब मेरी पलटन की इज्जत पे बन गई, जब मैं इस गेट में सिक्योर करने के लिए घुसा तो मेरे जवानों के पैर में चोटें घुसते ही लग गई। और जब मैंने देखा थोड़ी देर बाद अंधेरे में, पता चला कि फायर तहखानों से और नीचे से ऊपर मेरे जवानों को मारने के लिए आ रहा है। ऐसी सिखलाई मैंने आम तौर पे फौज में भी नहीं देखी है।